आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, आपको प्रश्न दिया गया है, एक धातु दो गणीय निकाय फलक केंद्रीय गणीय FCC और सरल गणीय AC निकाय में क्रिस्टलीकृत होती है, जिनकी एकक कोष्टिका की लंबाई क्रमशः 4.5 एंगस्ट्रॉम और 1.5 एंगस्ट्रॉम है। फलक केंद्रीय गणीय निकाय और सरल गणीय निकाय के घनत्व का अनुपात होगा, आपको दे रखा है 0.15 होगा, 1.44 होगा, सी दे रखा 2.55 होगा, डी दे रखा 3.25 होगा। तो घनत्व बराबर आपका क्या होता है, सबसे पहले तो बात करते हैं, ये आपका होता है जेड गुणा एम होता है, बटा आपका क्या होता है एनए गुणा ए क्यू होता है। ये आपका क्या है, एकक कोष्टिका का आयतन है, का आयतन है ये, आप किसका आयतन है, एकक कोष्टिका का आयतन है। अब यहां पर आपके लिए सरल घनीय के लिए, आपके लिए सरल घनीय की बात करते हैं। सरल घनीय में केवल किसमें होते हैं, परमाणु कोणों पर होते हैं, तो 1/8 गुणा कोने लिख देते हैं यहां पर, तो यहां से आपके पास प्रभावी परमाणु संख्या कितनी आ जाएगी, एक आ जाएगी, यानी आपके जेड इसको आप दे दीजिए, यहां से प्रभावी परमाणु संख्या इसकी Z1 दे दीजिए, इसको दे दीजिए Z2 दे दीजिए, तो यहां से आपके पास Z2 बराबर आपका क्या आ गया, यहां से एक आ गया। अब आपके पास किसकी निकालनी है, आपकी प्रभावी परमाणु संख्या FCC की निकालनी है। FCC में क्या होता है, FCC में Z निकालना है आपको, प्रभावी परमाणु संख्या FCC में आपके पास होता है 1/2। एक तो आता है आपका फलक केंद्र आता है, यानी परमाणु फलक केंद्र पर होंगे, फलक केंद्र पर होंगे, यानी यहां पर फलक केंद्र का यानी जो केंद्रों का योगदान होता है वो आपका 1/2 होता है। अब यहां पर आपकी कहां पर होंगे, कोनों पर होंगे, कोने होते हैं आपके 8, एक घन में आपके होते हैं 6 फलक, तो 1/2 गुणा 6 और यहां से निकाल लो 1/8 गुणा 8, तो ये आपका आ जाएगा यहां से 3+1=4 आ जाएगा। ये आपके किसका मान आ गया, Z1 का मान आ गया, ठीक है। अब आपके पास क्या निकालना है, यहां से आपको घनत्व का अनुपात निकालना है, तो घनत्व का अनुपात क्या आएगा, D1 बराबर आपका क्या आएगा, Z1 गुणा M, Na में है और यहां से AQ गुणा, इसी तरह से D2 बराबर आपका क्या आएगा, Z1 गुणा M, यहां से आपके पास क्या जाएगा Z2 आ जाएगा यहां से, और Na गुणा AQ आ जाएगा। आपको यहां पर कोर की लंबाई दे रखी है क्या, हाँ, ये आपको A1 दे रखा है और यहां पर आपको ये A2 दे रखा है, तो यहां से हम इन्हें लिख देते हैं, A1 लिख देते हैं इसे और इसे A2 लिख देते हैं, तो आपके पास संबंध क्या आएगा ये आपको देखना है। तो यहां से आपके पास जो संबंध आएगा, तो यहां से आपके पास जो संबंध आएगा D1/D2 क्या आएगा आपका, ये आपका आएगा यहां से Z1/Z2 आएगा आपका, और आपका क्या आएगा A2 का Q/A1 का Q आ जाएगा। Z1 और Z2 के मान हमने निकाल लिए, Z1 का मान तो आपका 4 आ रहा है, तो यहां पर 4 रख दीजिए, M से M आपका कट जाएगा और NA से NA आपका कट जाएगा, और Z2 का मान आपका 1 है, तो यहां पर 1 रख दीजिए। यहां से A1 बराबर आपको 4.5 और A2 बराबर आपको 1.5 दे रखा है, तो यहां से आपके मान क्या आएंगे, ये तो आएगा 1.5 का क्यू आएगा, और ये आपका क्या आएगा 4.5 का क्यू आएगा। यहां से आप इसे हल करते हो तो आपको क्या मिलता है, ये आपको देखना है, ये आपको यहां से निकालना है, तो यहां से आप इसे हल करते हो तो आपको क्या मिलता है, यहां से
ये मिलता है आपको 0.1475 मिलता है। इसे आप क्या लिख सकते हो, 0.15 भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 0.15 भी लिख सकते हो। ये आपको कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ये आपको ए ऑप्शन में दे रखा है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।